गुम है किसी के प्यार में। कल से रात 8 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। ये करेला बा, ये नानी भाभी के लिए है। कोकिला वो उते अपने सेहत के बारे में हमेशा सतर्क रहती है। हर चीज वो नाप तोल के खाती है, कोई कुछ नहीं बोल सकता। कभी किसे क्या हो जावे, पर मारी कोकिला वो को मिठाइयाँ बहुत अच्छी लगती है। शो विवान जी ने मिठाई बहुत पसंद छे। मुझे सचमुच बहुत अजीब लग रहा है। कोकिला हमेशा खाने पीने के मामले में कितनी सतर्क रही है। पता नहीं ये डायबिटीज। पर कोई बात नहीं, हम सब मिलकर आपकी शक्कर काबू में लाने में आपकी मदद करेंगे। ये मोटिवेट आखिर परिवार किसके लिए होता है? एक दूसरे की मदद के लिए ना। हाँ बात क्या है, आप सुबह से कितना पानी पी रही है? अरे तो इमा सोचे, अब मेरा गला कब से सूख रहा है। तू मेरी चिंता मत कर, तू तो बस का अपनी काकी जी के बारे में सोच, उनकी चिंता कर। अरे वाह, करेला नु शाक कोकिला के लिए। विवान जी, ये आपने बहुत अच्छा किया जो करेले की सब्जी बना दी कोकिला के लिए। करेला वाकई में डायबिटीज के लिए बहुत लाभदायक होता है। हाँ लीजिए ना विवान जी, लियो लियो लियो। नहीं रहने दीजिए कोकिला, ले लो। करेला वाकई में बहुत लाभदायक होता है। और हाँ, तुम चावल मत खाना। एकदम बराबर मोटी बहन। उर्मिला बहन, एक बात स्पष्ट कह दो, मुझे मात्र डायबिटीज है, जो कि मुझे तो संदेह है कि मुझे डायबिटीज नहीं हो सकता। और वैसे भी अगर डायबिटीज है तो वो कोई प्राण घातक बीमारी नहीं है कि करेले की सब्जी छोड़कर यदि मैं कोई और चीज खाऊं तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। मीठी, वो थेपला और बैगन की सब्जी बनाई है ना राशि ने, वो मुझे दे दो। कोकिला, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारी सेहत के लिए कर रहे हैं। देखो, थोड़ी सी परहेजी करोगी तो तुम्हारा डायबिटीज शुगर कंट्रोल में आ जाएगा। माँ जी, काकी जी बिल्कुल सही कह रही है, आपको हल्के फुल्के खाना ही खाना चाहिए। सारो गोपी वो उठी बेन, तमारू सोचवानू एकदम बराबर छे, परहेज तो करना ही पड़ेगा। हवे जुओ ने, हमारी चाल माँ चंद्रलेखा बेन छे, उन्हें भी शक्कर की बीमारी हो गई थी। बेचारी आके बोली, ये शक्कर की बीमारी तो धीमा जहर है। उसने बिल्कुल परहेजी नहीं की, ये बीच में तो उनकी हालत एकदम बिगड़ गई थी। अब बिल्कुल खाने में ध्यान नहीं दे रही थी, बस खाना देखा नहीं कि बस ठूसे जा रही है, और वो भी तला भुना, और ऊपर से मिठाई भी पची, उनकी शुगर बढ़ गई और फिर उन्हें तनाव रहने लगा। अब और धीरे धीरे उनकी स्थिति और भी खराब होने लगी। इसीलिए विवान जी के हूँ तुमने आग्रह करूँ छू कि आप परहेज से खाइए, वैसे भी हर किसी का तनाव आप ले लेती है। कोकिला, फिलहाल के लिए सारी स्ट्रेस, सारी चिंता, सब कुछ छोड़ो, बस सिर्फ और सिर्फ अपनी सेहत पर ध्यान दोगे। कोकिला ओ, मने खबर छे तमने मिठाईयो अने घी अने तेल ने बनी चीजे बहु गम्यो छे,
वरना अब वो सब खाना तुम भूल जाओ। बा, आप अच्छी तरह से जानती है कि मैं अपनी सेहत को लेकर बहुत जागरूक हूँ और मैं जो भी खाती हूँ सही मात्रा में खाती हूँ, न कम न ज्यादा। ठीक है, ये सब्जी मैं खा लूंगी। माँ जी, आप जो खाना खाएंगी मैं भी वही खाना खाऊंगी।